चीजें आप लोगों को बता दूं, फॉलो, हम इस कोर्स में दो डेक्स कवर करेंगे। एक है हमारा पास्ट लाइफ, विच इज एन ओरेकल डेक, राइट? ओरेकल और जो टैरो डेक होता है उसमें डिफरेंस होता है, राइट? ये जो है ये एक ओरेकल डेक है। दूसरा जो हम करेंगे, वील बी डूइंग आकाशिक टैरो। तो बेसिकली हम जिन एनर्जीज पे टैप करने वाले हैं वो एनर्जीज कनेक्टेड है कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्मों से। तो आकाशिक टैरो और पास्ट लाइफ को पढ़ने का मेन मोटिव क्या है और हम इसे क्यों करेंगे, किस केस में यूज करेंगे, दैट वील नो। आकाशिक को वैसे भी हम जनरल टैरो रीडिंग में भी यूज करते हैं फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। उसका एक रीजन है कि आकाशिक में कई बारी वो जवाब मिल जाते हैं जो आपको वैसे आप इग्नोर कर रहे होते हैं, या एज रीडर्स अगर आप नए हैं तो आप उसको नहीं समझा पाते अपने क्वेरेंट को। आकाशिक में होता क्या है कि अगर आपके क्वेरेंट की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आकाशिक रीडिंग से आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। एंड वंस यू हैव दैट आइडिया, एक बारी हमें पता है कि प्रॉब्लम क्या है तो हम उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, रेमेडीज दे सकते हैं। क्योंकि जो भी आपके पास रीडिंग के मोटिव से आते हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है कि भाई प्रॉब्लम है ये तो हम भी जानते हैं, प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है और इसकी रेमेडी क्या है। सो वील बी वर्किंग टुवर्ड्स बोथ दी डायरेक्शंस, राइट?